शिमला की ओर। खांसी और जुकाम की दवा कंपनी का स्टॉक सील, लाइसेंस निलंबित, तो उत्पादन पर भी रोक। मैसेंजर्स डिजिटल विजन कंपनी दवा कंपनी का अब लाइसेंस भी अस्थायी रूप से सस्पेंड कर दिया गया है। दवा बिक्री पर पाबंदी के बाद अब उत्पादन पर भी रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई केंद्र और हिमाचल की संयुक्त टीम ने कल मौके पर पहुंचकर की है। सोमवार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, भारत सरकार और हिमाचल सरकार की टीम ने संयुक्त रूप से फैक्ट्री में दबिश दी। टीम के कुछ दस्तावेज उनके कब्जे में ले लिए और इस दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज भी मांगे गए, लेकिन कंपनी प्रबंधन डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाया। केंद्र के सहायक दवा नियंत्रक, 3 ड्रग इंस्पेक्टर, प्रदेश के राज्य दवा नियंत्रक नवनीत मरहा, ड्रग लाइसेंस अथॉरिटी अधिकारी सनी कौशल और ड्रग इंस्पेक्टर ललित दिन भर रिकॉर्ड जांचने में जुटे रहे। इससे पहले कंपनी में बन रही दवाओं के सैंपल्स लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया था, जिनसे यह पता चला है कि इन दवाइयों को पीने से बच्चों की किडनी खराब हो रही है।